ये कहानी है बेकी और हंटर की। दोनों ही माउंटेन क्लाइंबर्स होती हैं। दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक होता है। बेकी की कुछ दिन पहले डैन से शादी हुई होती है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डैन, हंटर और बेकी एक माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन बीच में डैन की नज़र एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। डैन अपना हाथ उस चिड़िया के घोंसले में डालता है, लेकिन तभी उस घोंसले में से एक चिड़िया बाहर निकलकर आती है, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस लूज होने लगता है और वो नीचे लटक जाता है। ये देख बेकी घबरा जाती है और तभी डैन जिस रस्सी से बंधा हुआ होता है उस रस्सी का क्लिप निकल जाता है और डैन पूरी स्पीड से नीचे आने लगता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डैन की डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 51 हफ्ते बाद। दिखाया जाता है कि बेकी अभी भी डैन को नहीं भूल पाई है। वो अभी भी बहुत उदास है। डैन की यादें अभी भी उसको आती है। बेकी की ऐसी हालत देखकर बेकी के पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। बेकी के पिता उसको बहुत समझाते हैं कि उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेकी उसी हालत में रहती है। फिर अगले दिन बेकी से मिलने उसकी दोस्त हंटर आती है। वो काफ़ी बातें करते हैं। हंटर बेकी को अपने फ़ोन में एक टावर की फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि वो इस टावर को क्लाइंब करने वाली है और बेकी भी उसके साथ चले। लेकिन बेकी पहले तो टावर पर क्लाइंब करने से मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी डैन को नहीं बुला पाई है। लेकिन हंटर बेकी को बोलती है कि तुम टावर पर ऊपर चढ़कर डैन की राख को हवा में बहा देना, जिससे उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा। अभी तक बेकी ने डैन की राख को संभाल के रखा हुआ होता है। बेकी इस बारे में बहुत सोचती है और फिर हंटर को टावर पर क्लाइंब करने के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों अपने सफ़र के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ये लोग बातें करते हुए जाते हैं। हंटर वीडियो भी बनाती है और कुछ पिक्स सोशल साइट पर भी पोस्ट कर देती है। फिर वो टावर तक पहुंच जाती है। इस टावर की हाइट लगभग 2000 फीट होती है और ये टावर काफ़ी पुराना होता है, जिस पर जंग लगा हुआ होता है। और ये टावर ऐसी जगह में होता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता। बेकी टावर की हाइट देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसको समझाती है कि वो इसे आराम से क्लाइंब कर लेंगे। हंटर उसको ऊपर चढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। फिर दोनों रस्सी से अपने आप को बांधती हैं और ऊपर चढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे कर वो टावर पर चढ़ती हैं। बेकी को अभी भी डर लगता है, लेकिन वो चढ़ना चालू रखती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं हवा और भी तेज होने लगती है। फिर हंटर एक पॉइंट पर रुककर बेकी को बताती है कि उन्होंने आधे टावर की चढ़ाई पूरी कर ली है, मतलब उन्होंने 1000 फीट टावर क्लाइंब कर लिया है। अब हवा काफ़ी तेज हो गई थी। बेकी नीचे मुड़ के देखती है तो ऊंचाई देख के उसे डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लाइंबिंग चालू रखती है। और कुछ देर बाद वो दोनों टावर पर पहुँच जाती है। टावर पर पहुंचने के बाद वो दोनों बहुत खुश होती है, एक दूसरे की फ़ोटो लेती है, ड्रोन कैमरा उड़ाती है। लेकिन वो एक खतरे से अनजान होती है कि क्लाइंबिंग करते वक्त सीडी का एक नट निकल गया है। लेकिन वो खुश होती है। और कुछ देर बाद बेकी अपने हस्बैंड डैन की राख निकालती है और हवा में बहा देती है, जिसको करके बेकी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो हंटर को इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब कुछ टाइम टावर के टॉप पर बिताने के बाद वो वहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेकी उतरना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी वो स्क्रू जो निकल गया था वहाँ से लैडर टूट जाती है। लेकिन बेकी रस्सी से बंधी हुई होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर नहीं गिरती। वो हवा में ही लटक जाती है और हंटर उसे ऊपर खींच लेती है और बेकी फिर से टावर के टॉप पर आ जाती है। लेकिन नीचे गिरते वक्त बेकी का बैग, जिसमें खाने पीने का सामान और ड्रोन कैमरा था, वो टावर पर लगे एक डिश एंटीना पर अटक जाता है, जहाँ से वापस उस बैग को लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद ये दोनों अपना मोबाइल चेक करती हैं तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है। बेकी और हंटर बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये टावर वहाँ पर बना हुआ था जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता है, और कोई इंसान आ भी जाए तब भी इतनी ऊँचाई से इनकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। ये दोनों 2000 फीट के टावर पर पूरी तरीके से फंस गई होती है। तभी इनकी नज़र टावर पर लगे एक बॉक्स पर जाती है, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन रखी होती है।
हंटर दूरबीन से आसपास देखती है तो उसे दूर एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो लोग इतनी दूर होते हैं कि ना तो वो इन्हें देख सकते हैं और ना ही आवाज़ सुन सकते हैं। और फ्लेयर गन को भी वो दिन में नहीं जला सकते क्योंकि दिन में उसे कोई नहीं देख पाएगा। हंटर फिर से अपना मोबाइल चेक करती है और इस बार वो देखती है कि टावर पर क्लाइम करने से पहले जो फोटो उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी वो पोस्ट हो चुकी है और उस पर काफ़ी लाइक्स भी आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि टावर की सरफेस पर नेटवर्क आ रहा होता है। तभी हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इंस्टाग्राम पर एक हेल्प का मैसेज लिख देती है और अपने फ़ोन को एक रस्सी से बांध देती है और उसे नीचे डालने लगती है ताकि नेटवर्क आए और उसका मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो जाए। लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता है। फिर हंटर फोन को अपने शूज़ और सॉक्स पर डालकर टावर के नीचे फेंक देती है ताकि सरफेस पर मोबाइल में कवरेज आ जाए और मैसेज पोस्ट हो जाए। मोबाइल ज़मीन पर गिरने के बाद वो उसे दूरबीन से देखती है। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। वो अपना एक जूता भी फेंकती है नीचे लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। बैकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से रोक देती है। हंटर बोलती है कि हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा, रात को वो हमारी फ्लेयर गन को ज़रूर देख लेंगे। और अब यहाँ पर रात हो जाती है और अंधेरा होते ही वो फ्लेयर गन जला देते हैं और अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट भी ऑन कर देते हैं। और ये चीज़ वो गाड़ी वाले देख लेते हैं जो वहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के बजाय इनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसको देखकर दोनों बहुत हताश हो जाती हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब जैसे जैसे रात बीतती है उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है। जगह कम होने की वजह से हंटर वहाँ से गिरने वाली होती है। तभी बैकी की नज़र हंटर के टैटू पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है 143। फिर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन भी उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहता था। उसे अब हंटर पर शक होना स्टार्ट हो जाता है और वो हंटर से इसके बारे में पूछती है तो हंटर बैकी को सारा सच बता देती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन था। ये सुनकर बैकी शॉक हो जाती है। हंटर बैकी से इसके लिए माफ़ी मांगती है। अब सुबह हो जाती है। बैकी की नज़र उस बैग पर जाती है जो डिश एंटीना से लटका हुआ होता है। हंटर उस बैग को वापस से लाने का डिसाइड करती है। वो रस्सी को अपने शरीर से बांधकर नीचे उतरने लगती है लेकिन इससे पहले वो डिश एंटीना तक पहुंचती रस्सी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हंटर रस्सी छोड़कर सीधा डिश एंटीना पर जंप लगा देती है और बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी में लटका देती है और फिर खुद भी जंप लगा देती है और रस्सी को पकड़ लेती है। लेकिन रस्सी हंटर के हाथ से बीच में छूटने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन कैसे ना कैसे करके बैकी उसको वापस रस्सी से खींच लेती है। अब उनके पास ड्रोन है तो वो एक कागज़ में हेल्प का मैसेज लिखकर ड्रोन से किसी घर के आसपास भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन ड्रोन की बैटरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। अब फिर से रात हो जाती है। बैकी की नज़र टावर के टॉप पर पड़ती है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर करंट है। तो बैकी वहाँ पर चढ़ जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है। अब जैसे ही ड्रोन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है वो वापस नीचे आ जाती है। अब वो फिर से हेल्प का मैसेज ड्रोन पर लगाते हैं और पास में घर होता है वहाँ पर ड्रोन को भेजते हैं। लेकिन घर में पहुँचने से पहले ही ड्रोन एक गाड़ी से टकरा कर टूट जाता है। ये देख दोनों बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब बैकी की हालत ख़राब होने लगती है। बैकी यहाँ से कैसे ना कैसे करके वापस जाना चाहती है। तभी वो हंटर से उसका शूज़ मांगती है ताकि वो खुद का फ़ोन भी मैसेज टाइप करके नीचे फेंक सके जिसे शायद उसके डैड देख के उनकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन हंटर उसे अपना शूज़ देने से मना कर देती है। और यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बैकी को एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। उसे हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं। दरअसल जब हंटर बैग लेने नीचे गई थी तो तभी उससे रस्सी छूट गई थी, तभी उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर बैकी को इतनी देर से सिर्फ भ्रम हो रहा होता है कि हंटर उसके साथ है लेकिन हंटर की बॉडी अभी भी डिश एंटीना पर ही होती है। अब बैकी को एहसास हो चुका है कि वो इस टावर पर अकेली है। वो अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है।
रिकॉर्ड करने के बाद वो वहाँ सो जाती है। वो सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि एक वल्चर उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़ के मार देती है और उसे खा जाती है। जिसे खाने के बाद उससे थोड़ी हिम्मत आती है और वो डिसाइड करती है कि वो नीचे एंटीना तक जाएगी जहाँ पर हंटर की बॉडी है। अब वो कैसे न कैसे करके रस्सी के सहारे नीचे एंटीना तक पहुँच जाती है और हंटर के शूज़ में अपना फ़ोन डालकर हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है। और इस बार मैकी की किस्मत अच्छी होती है और वो मैसेज बैकी के डैड तक पहुँच जाता है। और बैकी के डैड वहाँ टावर के पास पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है। उन्हें एक डेड बॉडी भी दिखाई देती है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये बैकी की डेड बॉडी है। लेकिन तभी उनकी नज़र बैकी पर पड़ती है जो पीछे खड़ी हुई होती है और वो पूरी तरीके से ठीक होती है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो भाग के बैकी को हग कर लेते हैं। इस तरीके से बैकी की ज़िंदगी बच गई होती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए।